तार तो को भवसो अनेक जीव तारिवे को राम कथा गंगा यो न धाम धाम धावती प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो विश्व बीच धर्म की ध्वजा न फहरावती शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु चार घाट झांकी जो न लखिवे में आवती प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती तुलसी की बानी जो पे पानी ना पिवावती। और ये पानी भी कैसा है, पानी है राजस मानस को, पानी है राजस मानस को, पर से ही ये पान होत है पानी, पानी कृपा कविता बदरा बरसे सर से अखियान में पानी, ये पानी डुबावत भाव में है भव पानी के पार पठावत पानी, और पानी के तेज गुमान इनको पल में यह पानी उतारत पानी। प्रभु करी कृपा पानी दीने प्रभु करी कृपा सादर भरत शीश धरि लीन प्रभु करि कृपा पान सादर भरत शीश धरि लीन कृपा पान करि कृपा पान। श्री रामचरितमानस की इस भाव में पंक्ति का आशय है, भगवान ने कृपा पूर्वक पादुका दी और श्री भरत जी ने प्रभु प्रदत्त पादुका को आदर पूर्वक सिर पर रख लिया। भरत जी का भाव बड़ा अद्भुत है, सादर भरत शीस धरे ले ली, क्यों? क्योंकि भगवान की पादुका है। भरत जी का मन उसी के प्रति भक्ति भाव से भरा है जिसका संबंध भगवान से है, यही कारण है कि जब वे राम जी को मनाने के लिए चले उस दृश्य को हम लोग देखें और मन से हम लोग भी सम्मिलित हों इस यात्रा में। बहुत प्रसिद्ध
पारंपरिक भजन की पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। भरत भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भरत, राम राम को मनाने। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। अब एक प्रसंग के माध्यम से यह भाव भरा दृश्य देखें। गुरुदेव श्री वशिष्ठ के संग श्री भरत जी रथ में बैठे हैं। अन्य लोग अलग अलग वाहनों पर बैठकर श्री राम जी से मिलने के लिए चले हैं। भरत जी से एक आध्यात्मिक समझ की प्रेरणा यह भी लेनी चाहिए कि कोई घोड़े पर बैठकर जा रहा है, कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई डोली में। वाहन अलग अलग हैं लेकिन सबकी यात्रा का लक्ष्य एक ही है, तो वाहनों का भेद तो रहेगा ही। सब घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते, सब हाथी पर बैठकर नहीं जा सकते, सब डोली में बैठकर नहीं जा सकते, सब रथ में बैठकर नहीं जा सकते। पर वाहनों का भेद तो रहे, पर अगर लक्ष्य का भेद नहीं है तो भिन्न भिन्न वाहन होने के बाद भी उद्देश्य एक होने से भेद तो वाहन का रहेगा पर भेद का भाव समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह भगवत प्राप्ति अगर लक्ष्य है तो भले ही साधन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न संप्रदाय साधन परंपरा हो, पर संप्रदायों का भेद तो रहे, साधनों का भेद तो रहे, लेकिन भगवत प्राप्ति का अगर उद्देश्य है तो भेद का भाव समाप्त हो जाए। यही लोक के लिए परम कल्याणकारी मार्ग है। भेद रहे पर भेद का भाव न रहे। लोग भेद मिटाने पर तुले, जबकि भेद नहीं मिटता, भेद का भाव मिटता है। आभूषणों का भेद नहीं मिटता पर स्वर्ण की दृष्टि से आभूषणों के भेद का भाव समाप्त हो जाता है। भरत जी रथ में बैठे हैं। अब बहुत करुणापूर्ण और हृदय द्रावक प्रसंग है। निखाद राज गुह को समाचार मिला कि भरत जी आ रहे हैं और सेना साथ में। भ्रम हो गया। बाद में एक वृद्ध ज्योतिषी के परामर्श से ऐसा निर्णय किया गया कि भरत जी से मिल लें, पता तो लग जाए कि उनके मन में प्रेम का भाव है या विरोध का भाव है। सेना को छिपा दिया गया और निखादराज कंदमूल फल आदि की भेंट लेकर मिले। अब निखादराज ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। अब तुलसीदास जी का शब्द देखो, वशिष्ठ जी ने क्या समझकर आशीर्वाद दिया? यह समझकर कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है ना, तो यह समझकर कि बेचारा दीनहीन छोटी जाति का निखाद है, यह समझकर? बोले ना। फिर क्या समझकर आशीर्वाद दिया? ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा
ज्ञान राम प्रिय दीन असीसा। वशिष्ठ जी ने राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। यह संत की दृष्टि है। संत की दृष्टि में लोक पक्ष का महत्व नहीं है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। पर वशिष्ठ जी को लगा यह राम जी का प्रिय है और राम जी इसे प्रिय हैं। संत का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसका भगवान से संबंध होता है। यानी राम प्रिय दीन असीसा। अच्छा, आगे भी तुलसीदास जी का शब्द प्रयोग देखें। भरत जी ने पूछा कौन है ये। भरत ही कहे वो बुझाए मुनीषा, भरत ही कहे भरत ही कहे वो बुझाए मुनि कहे वो बुझाए। भरत जी ने बुझाया, समझाया नहीं, समझाया विस्तार से जाता है और बुझाया थोड़े में। इसलिए लोग कहते हैं समझा बुझा देना, थोड़े में बात कही जाए तो बुझाना है। बुझाई थोड़े मोह सब कहूं बुझाई, बुझाई। भरत जी ने पूछा कि ये कौन प्रणाम कर रहा है। तो गुरु वशिष्ठ से ने यह नहीं कहा कि श्रृंगवीरपुर का राजा है, यह भी नहीं कहा कि निखाद है, फिर यह कहा जानते हो कौन प्रणाम कर रहा है, कौन है गुरु जी है। तो गुरु जी क्या बोले, राम सखा राम राम। यह राम जी का सखा है, परिचय तो यह होना चाहिए। राम जी का सखा, बस। भरत जी ने इतना सुना कि यह राम जी का सखा है, फिर यह नहीं पूछा कि नाम क्या है, जाति क्या है, संपन्नता कैसी है, नहीं पूछा। राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा। भरत जी रथ से कूद पड़े, रथ से नीचे उतर आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे अरे, इसलिए थोड़ा ही यह कहा था कि तुम ऐसा व्यवहार करो। भरत, यह तो उचित नहीं है। क्यों, तुम अयोध्या के वर्तमान समय में राजा हो और अयोध्या की राज्य परंपरा के अंतर्गत ही छोटी सी रियासत है श्रृंगवीरपुर, और इसका राजा है यह निखाद। तो निखाद राज छोटी सी रियासत का राजा है, उसको देखकर अयोध्या के पद पर बैठा हुआ सम्राट रथ छोड़ के नीचे उतर जाए, यह व्यवहारिक मर्यादा नहीं है। भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गुरुदेव, आपने यह नहीं कहा कि यह श्रृंगवीरपुर का राजा है, आपने यह कहा कि यह राम जी का सखा है। और गुरुदेव आप ही सोचिए, यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं, तो सखा बराबरी का होता है और सेवक छोटा होता है, और राम जी का सखा धरती पर लकड़ी की तरह पड़ा रहे और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं है। तो श्रृंगवीरपुर के राजा को देखकर भरत रथ से नीचे नहीं उतरा, फिर बोले राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से कूद पड़ा है। गुरु वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए, बोले भरत, यह तो तुम्हारी ही सोच हो सकती है। श्री भरत जी गए, निखाद राज ने देखा कि भरत मेरे लिए उतर कर आए, चरणों में गिर गया। और जैसे ही निखाद राज चरणों में गिरे तो भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लेकिन भरत जी यह सोचने लगे कि यह मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सौभाग्यशाली तो यह मुझसे अधिक है, तो मैं इनके प्रति भाव क्या रखूं।
भरत जी ने तुरंत सोच लिया कि कोई ऐसा है जो उम्र में मुझसे छोटा हो और भाव में मुझसे बड़ा हो, भक्ति भाव में मुझसे बड़ा हो, कौन? तो तुरंत याद आ गई, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे। तो निखात राज को जब हृदय से लगाया तो भरत जी क्या सोचते हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाए, और मनहु लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समाए। श्री भरत जी को ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण मुझे मिल गया। आहा, निखात राज में भरत जी को लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। निखात राज सारे समाज को भरत जी को लेकर गए गंगा जी किनारे। निखात राज कथा सुना रहे हैं, भरत भैया यही श्री गंगा जी का वह घाट है जहां भगवान श्री राम ने स्नान किया और अपनी जटाएं बनाई, अनुज सहित सिर जटा बनाए, यही वह स्थल है। निखात राज रोते हुए बोले कि बस उसी दिन से मैंने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया है। भरत जी ने जो इतना सुना तुरंत लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। निखात राज संभालने लगे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रणाम। अरे तो घाट को हाथ जोड़कर सिर झुका लेते, ये आप लकड़ी की तरह भूमिष्ठ होकर ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं। भरत जी तो कुछ नहीं बोले, पर तुलसीदास जी बोले मैं बताता हूं। अच्छा आप क्या बताते हो? बोले निखात राज या अन्यों की दृष्टि में वह गंगा जी का एक घाट राम घाट होगा, पर भरत जी को कैसा लग रहा है? राम घाट कहां कीन प्रणाम, भामन मगन मिले जनु राम। राम घाट को प्रणाम करने में उन्हें ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों। यह है भक्त की दृष्टि। भगवान को तो सब जगह है, पर भगवान को देखने के लिए भक्त की दृष्टि चाहिए। इसीलिए एक भक्त कवि ने कहा कि श्री कृष्ण को बहुतों ने देखा, पर जैसा एक ने देखा वैसा किसी और ने नहीं देखा। बोले श्री कृष्ण को किसने देखा? तो एक भक्त ने लिखा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति, देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। श्री कृष्ण को देखने के लिए तो सूरदास जी की दृष्टि चाहिए, भक्तिमती मीरा जी की दृष्टि चाहिए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध रुबान मीरा नाची, घुंघरु बांध मीरा, मीरा नाची नाची घुंघरु बांध मीरा, घुंघरु बांध जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे, घुंघरु बांध मीरा रे, पग घुंघरु बांध रे, पग घुंघरु बांध मीरा, बांध मीरा, बांध मीरा ना। जहर का प्याला, लेकिन एक भक्त सज्जन ने लिखा कि प्याला जो हाथ में आया तो कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान,
नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में। कौन कौन नाचा? करवे प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, और जो विष देखा तो देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। भगवान शंकर नृत्य करने लगे। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है आज इतने मगन क्यों? शिव जी बोले आ भगवान के नाम पर जहर पीने वाला मैं ही था, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के नाम पर जहर पीने वाली भक्तिमती मीरा। यह दृश्य देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही। नाच उठी देख काल कूट नाची छाया महाकाल की, नाची देवांगना। देवांगनाएं प्रसन्न थी कि मीरा जहर पीकर शरीर छोड़ेंगी तो यहाँ आएंगी। उलास लिए मानस में और नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की। भगवान शंकर तो नृत्य कर ही रहे हैं। और नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। लेकिन यह क्या, मीरा ने सोचा विष पीने के पहले एक बार देख तो लूं। तो नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, नाच उठी नैनन की पूतली प्याले बीच, और पूतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल के। भगवान प्रकट, यह भक्त की दृष्टि है। इसी से एक कवि ने कहा, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान को देखने के लिए भक्त की दृष्टि चाहिए, भाव की दृष्टि चाहिए। आप जानते हैं रामचरितमानस में दो ने भगवान को देखा और दोनों को भ्रम हो गया। सती जी ने भी भगवान को देखा, भ्रम हो गया, और सुग्रीव जी ने भी भगवान को देखा तो भ्रम हो गया। क्यों? अच्छा, दोनों ने तब देखा जब श्री सीता जी राम जी के संग नहीं है। सती जी ने भी तब देखा जब सीता जी राम जी के साथ नहीं है, और सुग्रीव जी ने भी तब देखा जब सीता जी राम जी के साथ नहीं है। और सीता मैया तो मूर्तिमती भक्ति हैं, और संकेत क्या मिला कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। अगर भगवान को देखना है तो भक्ति के सहित देखो। भाव की श्री भरत को निखात राज में लक्ष्मण दिखाई पड़े, राम घाट में राम जी दिखाई पड़े। एक बात और, रात्रि का समय सब सो गए। निखात राज लौट कर आए कि देखें अब तो भरत जी भी सो गए होंगे, लेकिन यह क्या, इतनी रात हो गई भरत अभी भी जाग रहे हैं। निखात राज ने कहा कि आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी रोने लगे, मन को विश्राम मिले तब तो तन का विश्राम हो, नींद नहीं आई। निखात राज बोले मैं समझ गया, समझ गया। क्या? बोले जिन नैनों में नीर हो उन नैनों में नींद कैसे आ सकती है, ये नीर और नींद एक साथ नहीं आते। लेकिन मैं क्या करूं, आपको विश्राम कैसे मिलेगा? भरत जी बोले कहत सखही सोई ठाव दिखाऊ, नयन जिए जरनी जुड़ाऊ। मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए, नेत्रों को थोड़ी शांति मिल जाए, वह जगह दिखा दो। कौन सी जगह? जहां सिया राम साथरी सोए, कहत बचन भरे लोचन को। जहां श्री सीताराम जी ने कुश शैया पर विश्राम किया, वह जगह बता दो।
भगवान की विश्राम स्थली देखकर मन को थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। निखात राज कुछ बोल नहीं सके, चले सखा करसों कर जोड़े। आहा, शिंशुपा वृक्ष, शीशम का वृक्ष दिखाई दिया। अब यह भक्ति की दृष्टि है, जैसे ही शीशम के वृक्ष को देखा भरत जी उसी तरह प्रणाम करते हैं, गिर गए धरती पर, शीशम के वृक्ष को प्रणाम किया। निखात राज के मुंह से निकला कि भरत जी आपके प्रणाम करने से यह शीशम का वृक्ष भी आज अब से बड़भागी हो गया। भरत जी बोले, मेरे प्रणाम करने से यह बड़भागी नहीं हुआ है, फिर यह बड़भागी है इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। अगर यह वृक्ष बड़भागी है तो फिर अभागी कौन है? भरत जी बोले, वह तो कौशल्या माता ने पहले ही कह दिया है, बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़भागी बन अवध अभागी। अयोध्या अभागिनी है पर यह वृक्ष बड़भागी है। सारे संसार को जिनकी कृपा छाया में रहने का अवसर मिलता है वे भगवान इस वृक्ष की छाया में रहे। यही तरुतर प्रभु बैठई जाई, करही कल्प तरुतास बढ़ाई। कल्प वृक्ष भी कहता है कि हम स्वर्ग में हैं, काश अगर हम भी धरती पर होते तो भगवान हमारी छाया में आकर बैठते। भरत बहुत पुलकित हो रहे थे कि यही वह वृक्ष है जिसकी छाया में श्री राम जी रहे, लेकिन जैसे ही नीचे दृष्टि गई, आहा, कुशासन बिछे हुए थे अब तक, कुश शैया बिछी थी। निखादराज बोले, यह श्री राम जी की कुश शैया और यह श्री जानकी मैया की कुश शैया, और वहां धनुष बाण लेकर बैठे थे लक्ष्मण भैया। आहा, निखात राज बोले, मुझे आज भी वो दिन याद है जब राम जी से कुश शैया पर सोए तो मुझे याद आया सोने के महलन में चंदोबा चारु मोतिन के, हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, ऐसे भवनों में निवास करने वाले सोई रघुनाथ, माथ नीचे धरी हाथ सोए, पाथरी शिला पे कुश साथरी बिछाई के, पत्थर की शिला पर कुशासन बिछाकर सिराने हाथ रखकर श्री राम सोए। निखात राज बोले, यह मैंने देखा। भरत जी बोले, मैं कुश शैया देख रहा हूं, लेकिन एक बात है भैया निखात राज, क्या? राम जी की कुश शैया देखकर तो फिर भी कुछ धैर्य रखने की चेष्टा कर लेता हूं, लेकिन जानकी मैया की जब कुश शैया देखी, सी साथरी देखी, मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है, फट क्यों नहीं जाता? क्यों? भरत जी बोले, भैया निखात, मुझे वह क्षण याद आ रहा है जब मिथिला नरेश महाराज श्री जनक अपनी बेटी श्री जानकी जी को विदा करने लगे। परम करुणा का क्षण था, देखत ही सिय मूरति को, निज अंग विसूरति खोवन लागे, मंत्री सवै मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे, मानो विराग की राख महीप, द्रगंजलि बिंदु सो धोवन लागे, और ज्ञान की तो मरजाद मिटी, कहे जाने की रोवन लागे, लीन राय उरलाय जान की मिटी, महा मर्याद ज्ञान की। और श्री राम जी से बोले, राम जी आवने होए जवे ससुरारी, लली सुकुमारी हुकों संग लीजो,
और एक बात तो ऐसी हृदय द्रावक कही कि कांकरी हू जो सिया के कबों, कांकरी हू जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और उन श्री जानकी जी को इस निवेदन के साथ जनक जी ने विदा किया और महाराज दशरथ कहते रहे कौशल्या जी से, बधु लड़कनी ये बालिका है अभी, ये अपना घर नहीं समझती, अभी पराया समझती, पर घर आई तो राखे नयन पलक की नाई। और कौशल्या जी ने कैसे रखा, नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई। और श्री सीता जी अयोध्या में रही कैसे, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय न दीन पग अवनि कठोरा। श्री सीता जी ने कभी कठोर पृथ्वी पर चरण नहीं रखा। और भरत जी कहते हैं कि उन श्री जानकी जी को उस सैया पर सोना पड़ा और वह भी इस अभागे भरत को राज्य मिल जाए इसलिए, और यह दृश्य मैं स्वयं देख रहा हूं फिर भी उसके बाद भी मेरा हृदय नहीं फट रहा है। बेहरत हृदय नहारी हर पविते कठिन विशेख, यह वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है। बस भरत जी ने जो इतना कहा, नीचे दृष्टि गई, स्वर्ण बिंदु पड़े थे, सोने के कण। भरत जी ने पूछा, भैया ये निखादराज ये स्वर्ण बिंदु कहां से आए, ये सोने के कण कहां से। निखादराज बोले, भैया भरत जो भाव विह्वल दशा आपकी यहां हो रही है, उस दिन श्री राम जी जब शैया पर सोए तो थोड़ी देर सोते फिर उठकर बैठ जाते। मैंने कहा कि प्रभु आपको अभ्यास नहीं है कठोर कुश शैया पर शयन का, इसलिए बार बार जाग जाते हैं। जानकी मैया भी उठकर बैठ जाती, पर राम जी कहते नहीं नहीं निखाद, कुश शैया पर तो मैं शयन कर लूं लेकिन मुझे तन की नहीं मन की पीड़ा नहीं सोने दे रही है। कौन सी मन की पीड़ा? श्री राम जी कहने लगे कि भैया निखाद मुझे भरत की याद आ रही है, मेरी अनुपस्थिति में भरत की क्या दशा होगी। तेही रात पुनि पुनि करत प्रभु सादर सराहना रावरी, निसी सब तुम ही सराहत बीती। तो निखादराज बोले, जब भरत जी श्री राम जी आपकी याद कर रहे थे ना तो उनके आंखों में आंसू आ गए और राम जी के आंख में आंसू आए तो श्री सीता जी के भी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा तो फिर क्या हुआ? सीता मैया रोने लगी। तो निखादराज कहते कि मैंने खुद देखा, जब जब व्याकुल होत सी अति ही पुलकित गात, तो अश्रु बिंदु होए महि गिरत कनक बिंदु होए जात। सीता जी के आंखों से आंसू गिरते पर धरती पर गिरते ही वे स्वर्ण बिंदु हो जाते थे। ये वही स्वर्ण बिंदु हैं। एक भक्त ने और सुंदर भाव दिया, कहा कि श्री सीता जी के जो स्वर्ण कर्ण फूल थे, राम जी ने जब उसांस भरी भर कहकर तो वह स्वर्ण पिघल गया, उसके कण गिर गए। भरत जी बोले, कैसी बात करते हो, राम जी मेरा नाम लें और स्वर्ण पिघल जाए। निखादराज ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन अब आपको देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता। कहा, क्यों? बोले, आप जब राम कहकर उसांस भरते हैं, जब ही राम कही ले ही उसांसा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवही बचन सुनी कुलिश पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। आप उसांस लेकर जब राम बोलते हो तो आपके बोलने से पर्वत पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। तो राम जी के अगर भरत कहकर उसांस भरने से स्वर्ण आभूषण पिघल जाए तो कौन सा आश्चर्य है। पर भरत जी ने वे स्वर्ण बिंदु उठाए और कहां रखे,